मौसम बदलते वक्त नहीं लगता। कलकत्ता शहर की ठंड, गर्मी, बरसात सब हमारे इशारों पर होती है। डीसी रेड्डी साहब, दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड के भाईजान सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान और सुपरस्टार जीत की फिल्म चेंगिस के चार दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस अपडेट होकर आ चुके हैं और ये दोनों ही फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने चौथे दिन कितने करोड़ की कमाई कर रही है। आज दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म को ज्यादा अच्छी ओपनिंग मिली है और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा रिकॉर्ड बना रही है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं इन दोनों ही फिल्मों के लाइफ टाइम के भी बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं बंगाली सुपरस्टार जीत की फिल्म चेंगिस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिससे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ये फिल्म जीत सुपरस्टार के लिए एक बड़ी फिल्म साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि राजेश गांगुली के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म है चेंगिस, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार जीत के अलावा सुष्मिता चटर्जी और रोहित रॉय नजर आए हैं। लगभग 10 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 750 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। लेकिन दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिलने वाले अच्छे रिव्यूज की वजह से दोस्तों ईद वाले दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला और इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों अपने तीसरे दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें भी काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला और इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए फिर से कमाए। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म शुरुआती 3 दिनों में 5 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर अब इस फिल्म के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि चेंगिस को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। बंगाली बॉक्स ऑफिस के अलावा दोस्तों हिंदी में भी इस फिल्म को ऑडियंस पसंद कर रही है और यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने चौथे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए 35 लाख रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर रही है। और इसी के साथ इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो 5.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने शुरुआती 4 दिनों में पार कर रहा है। दोस्तों बताते चले आपको कि चेंगिस को हिट होने के लिए लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की कमाई तो करनी ही है और जिस तरह की कमाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है फिलहाल में तो ये फिल्म एक हिट फिल्म साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर बॉलीवुड के भाईजान सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के आज अपने 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और दोस्तों आज अपने चौथे दिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बनाती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनने वाली किसी का भाई किसी की जान, जो कि एक प्योर फैमिली ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार सलमान खान के अलावा पूजा हेगड़े, वेंकटेश रघुपति, जगपति बाबू और शहनाज गिल नजर आई है। बजट दोस्तों इस फिल्म का 110 करोड़ रुपए का बताया गया है और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 4,500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। सुपरस्टार सलमान खान जब भी दोस्तों ईद पर अपनी किसी फिल्म को लेकर आए हैं उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई जरूर की है और उसी तरह की कमाई दोस्तों यहां पर फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने भी की है। अपने पहले दिन 15,81,00,000 रुपए की धमाकेदार ओपनिंग लेने वाली किसी का भाई किसी की जान ने दूसरे दिन 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके दिखा दिया कि हेटर्स कितनी भी नेगेटिविटी इस फिल्म की कर ले, सलमान खान के स्टारडम की वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म बनने ही वाली है। अपने तीसरे दिन भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया और इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन 27 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया और इसी के साथ ये फिल्म शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो जहां 68 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के जो अपडेटेड कलेक्शंस निकल कर आए हैं वो 113 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान की फैन फॉलोइंग की वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो इस फिल्म के बजट से ज्यादा निकल पाए। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने चौथे दिन के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज की एडवांस दोस्तों इस फिल्म की 2,20,00,000 रुपए की ब्लॉक सेट के साथ थी। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म 11-13% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई थी। तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी वो फ्राइडे से भी
कहीं ज्यादा बेटर थी। यही वजह है कि यह फिल्म आज अपने चौथे दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से डबल डिजिट के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है और आज के इस फिल्म के कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही हैं। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का टोटल 78 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा और लगभग 125 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुका होगा। सुपरस्टार सलमान खान की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हो रही है। आपके हिसाब से दोस्तों दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म बेस्ट है हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।